हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाए जा रहे हैं मैक्रम टाइगर शेप मोबाइल होटर। और इसे बनाने के लिए हमको चाहिए येलो कलर की कोट, वन राउंड शेप की रिंग, 4 इंच की पीट्स, बेल्स, लाइटर एंड सीजर। तो चलिए अब हम देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ पर अभी हम सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है ये येलो कलर की कोट को लेंगे। और हम अभी फर्स्ट येलो कलर की कोट को लेंगे, इसकी साइज़ है 2 मीटर। और 2 मीटर की ये येलो कलर की कोट को हम इस तरीके से स्ट्रेट ऐसे रख देंगे। अब जो है यहाँ पर हम एक्स्ट्रा की कोट को इसमें अटैच कर देंगे। तो एक्स्ट्रा की कोट के लिए अभी हमने देखिए सेकेंड वाली कोट ली है, और अब हम इसे जो है फर्स्ट वाली जो स्ट्रेट हमने रखी है फर्स्ट वाली कोट, इसी में ही सेकेंड वाली कोट को अटैच कर देंगे। और ये जो सेकेंड वाली कोट है इसकी साइज़ है 2 मीटर। और देखिए जैसे ही अब हमने देखिए यहाँ पर अटैच करा, अब जैसे ही अटैच करेंगे वैसे ही हम इसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक बार और निकाल देंगे। तो देखिए अटैच करा, फिर वही कोट को दोबारा ये देखिए राइट से घुमाया, अब ये जो दूसरी वाली लेफ्ट वाली कोट है इसे दोबारा देखिए इसे लेफ्ट से हमने घुमा दिया। तो जैसे ही हम कोट को अटैच करेंगे वैसे ही जो है हमको दोनों ही साइड से एक बार इसे और निकालना है। अब ये हमने जो है सेकेंड वाली कोट अटैच करी है, अब थर्ड वाली कोट को यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसकी साइज़ भी है 2 मीटर, और इसे भी हम ऐसे अटैच करेंगे जैसे हमने सेकेंड वाली कोट को अटैच किया था। देखिए यहाँ पर हमने ये दोनों ही कोट को अटैच कर दिया है, जो कि सेकेंड और थर्ड वाली कोट 2 मीटर की। अब इसके बाद जो फर्स्ट वाली कोट जो थी हमने स्ट्रेट रखी थी, उसकी जो राइट हैंड साइड वाली कोट है उसे जो है अब वो स्ट्रेट वाली जो राइट हैंड साइड की तरफ की जो कोट थी उसे अब हम नीचे रखेंगे। इन दोनों ही कोट के देखिए ऊपर हमको रखना है, और फिर नीचे से कोट को लेना है, और ये जो ऊपर रखी हुई कोट है उसके ऊपर से 2 टाइम्स एक ही कोट को निकालते जाना है। तो तब जाकर जो है ये पाइपिंग इसमें बन पाएंगी। और अभी देखिए हमने ये जो पाइपिंग है इसे हमने राइट से स्टार्ट करा था, उसे लेफ्ट की तरफ लेकर है, और अब हम दोबारा फिर से एक कोने वाली कोट को लेंगे, और फिर इसे भी जो है हम ऐसे ऊपर रख कर जो है पाइपिंग को दोबारा बना देंगे। तो अभी जो ये वाली जो सेकेंड वाली लाइन की जो पाइपिंग है इसे बनाने के लिए भी हमने इसे राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करा है, और इसे फिर हम लेफ्ट की तरफ ले गए हैं। तो ये 2 लाइन की पाइपिंग, और फिर अब ये 3rd लाइन की पाइपिंग हो रही है। तो देखिए 3rd लाइन की पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आप देख सकते हैं एक और कोट बच चुकी है। तो अब ये 4th लाइन की पाइपिंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल ये एक ही कोट बची हुई है, तो उसकी पाइपिंग भी हम ऐसे कर देंगे। तो 4 लाइन की पाइपिंग हमने बना दी है, सभी को हमने राइट से स्टार्ट करा राइट हैंड साइड की तरफ से, और फिर से लेफ्ट की तरफ ले गए है। अब इसके बाद तो देखिए जैसे अभी हमने ये सेम डिज़ाइन बनाई है वैसे एक और बार सेम ऐसे ही डिज़ाइन को हम बना देंगे, जिसमें एक एक्स्ट्रा की कोट जो पहली कोट रहेंगी उसे ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, फिर यही स्ट्रेट वाली कोट में जो है एक्स्ट्रा की जो 2 कोट है उसको अटैच करेंगे। अब इसमें जो इस बात का आपको ध्यान देना है कि इसमें जो पाइपिंग रहेंगी वो लेफ्ट से स्टार्ट होंगी और राइट की तरफ जाएंगी। पहले जो हमने जो पाइपिंग बनाई थी उसे राइट से स्टार्ट करा था और लेफ्ट की तरफ ले गए थे, इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें हमको लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है और फिर राइट की तरफ ले जाना है राइट हैंड साइड की तरफ। तो ऐसे जो है हम कोट को, और देखिए सभी जो कोट है इनकी साइज़ भी है 2 मीटर। ये जो तीनों ही कोट हम अटैच हमने अभी करा है उन तीनों ही कोट की साइज़ है 2 मीटर। और अब बस सभी कोट को बस कंटिन्यूसली ऐसे ही लेफ्ट से जो है पाइपिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। और देखिए हमने पहले 4 लाइन की पाइपिंग बनाई थी, तो सेम यहाँ पर भी जो है 4 लाइन की पाइपिंग बनाएंगे। और जैसे ही हम ये पाइपिंग को बनाते जाएंगे वैसे इसकी जो साइज़ है वो डिक्रीज होते जाएंगी। तो यहाँ पर जो है दोनों डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बाद जो है
एक्स्ट्रा की वन कोड लेंगे, अब एक्स्ट्रा की कोड ले रहे हैं उसमें अटैच नहीं कर रहे, तो एक्स्ट्रा की एक कोड लेंगे, इसकी साइज़ है 2 मीटर, और ये 2 मीटर की एक्स्ट्रा की कोड को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, और फिर इसके बाद जो है हम एक्स्ट्रा की फिर से दोबारा 4 कोड इसी कोड में अटैच कर देंगे, और ये जो 4 कोड हम अभी अटैच करेंगे इन सभी की साइज़ है 2 मीटर। तो देखिए इसे बस ऐसा अटैच करना है, और अटैच करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया एक एक बार ओ निकाल लेंगे, तो ये देखिए राइट से निकाला और फिर ये लेफ्ट वाली कोड को दोबारा ऐसे लेफ्ट से निकाल दिया। तो अटैच करने के बाद इसे वन मोर टाइम जो है हमको कोड को निकालना है, तो वैसे अभी भी हम यहाँ पर ऐसे ही कोड को निकाल देंगे। यहाँ पर जो है टोटल 4 कोड हमने अटैच कर दी है, और आप देख सकते हैं ये 4 कोड अटैच कर देने के बाद अब जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उसे हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ये दोनों ही डिज़ाइन जो पाइपिंग वाली हमने पहले बनाई थी, बहुत ही इजी वे में हमने ये डिज़ाइन को बनाया था, तो इसे ऐसे दोनों साइड में रख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, और सेंटर की तरफ आप देख सकते हैं सेंटर की तरफ हम ऐसे ही 4 कोड को इसमें रख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो है दोनों ही साइड के ये जो हमने पाइपिंग वाले डिज़ाइन को बनाए इसे हम अटैच करने के लिए इनके जो नीचे आप जो कोड देख रहे उनको जो है ऐसे अटैच करना है। पहले देखिए वो जो पाइपिंग वाले डिज़ाइन के सभी कोड को ऐसे नीचे रख देंगे, और जो वो 4 कोड जहाँ पर अटैच करिए उसके स्ट्रेट कोड को इन सभी कोड के ऊपर रख देंगे। अब देखिए नीचे से कोड को लिया ये फर्स्ट टाइम और यही कोड को सेकेंड टाइम, तो ऐसे वन बाय वन करते हुए कोड को लेते जाएंगे और इनकी ऐसे पाइपिंग को हम बनाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो पाइपिंग वाले डिज़ाइन है सभी कोड को हमने नीचे रखा है और फिर इसकी पाइपिंग हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब जैसा अभी हम राइट हैंड साइड में ऐसा बना रहे हैं वैसे लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम ऐसे पाइपिंग को बना देंगे। तो देखिए दोनों ही साइड की जो पाइपिंग वाले डिज़ाइन है उसको हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसके बाद जो है 4 कोड लेंगे सेंटर की तरफ से, जहाँ से जो पाइपिंग की जो डिज़ाइन थी उसको जहाँ पर ऐड करा था उसके जस्ट ये जो सेंटर वाली जहाँ पर 4 कोड थी वहाँ से हम नोट को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सिंपल बेसिक नोट को बनाने का तरीका इस तरीके से कि सेंटर की 2 कोड को ऐसे ही रखेंगे, और जो लेफ्ट और राइट वाली जो एक एक कोड है बस उसको ही हम घुमाते जाएंगे। तो टोटल 4 कोड के बेस पर ये सिंपल बेसिक नोट की डिज़ाइन इसमें बनेंगी। तो इसे बनाने के लिए देखिए जो लेफ्ट और राइट की जो एक एक कोड है उसको घुमाएंगे, तो ये राइट हैंड साइड वाली जो एक कोड है इसे ये देखिए लेफ्ट से ऐसे निकाल लेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से निकाल दिया राइट हैंड साइड वाली कोड को, अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड ली, अब हम इसे राइट हैंड साइड की तरफ से ऐसे निकाल देंगे। तो बस ऐसा 2 टाइम्स करेंगे तब जाकर एक सिंपल बेसिक नोड इसमें बन पाएंगी। अब हम दोबारा फिर से ऐसे ही 4 कोड लेंगे, 4 कोड लेने के बाद राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड को राइट हैंड साइड से निकाल देंगे, और ऐसे जो है नोट्स को हम बनाते जाएंगे। तो देखिए 4 कोड को लेने का तरीका भी आप देख लीजिए, जो हमने पहले नोट बनाई है उसके कॉर्नर के 2 कोड और उसके जस्ट साइड वाली जहाँ पर कोई भी नोट नहीं बनी है वो नोट के बाजू वाली साइड की जो 2 कोड है उसको ले लेंगे। तो इससे जो है टोटल 4 कोड हो जाएंगी, 4 कोड के बेस पे डिज़ाइन हमारी बन जाएंगी। अब देखिए ये जो ये हमने नोट बना दिया, अब ये नोट बन गई, अब इसकी 2 कोड और जस्ट इसके साइड वाली ये देखिए 2 कोड, ऐसे करते हुए ही हमको यहाँ पर ये सिंपल बेसिक नोट को इसमें बनाना है।
तो देखिए यहाँ पर जो हमने फर्स्ट लाइन जो है सिंपल बेस के नोड के इसमें बना दी है, अब हम सेकंड लाइन को बनाने के लिए जो ऊपर की दो नोड है उनके कॉर्नर की दो दो कोड हम ले लेंगे। तो इससे टोटल फोर कोड हो जाएंगे। फोर कोड की हेल्प से ऐसे सिंपल बेस के नोड जो है हम इसमें बना देंगे। तो ऊपर की जो दो नोड है उसके ठीक नीचे बीच में सेंटर में जो है एक नोड को बनाना है और ऐसे ही जो है ये सेकेंड लाइन जो हमको कम्प्लीट करना है। अब देखिए सेकेंड लाइन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। अब जो थर्ड लाइन है इसे बनाने के लिए आप देख सकते हैं सेंटर की तरफ से जो एक गेप बचा हुआ है वहाँ पर हम ये नोड को बना देंगे। और ये नोड को भी बनाने के लिए आप देख सकते हैं ऊपर के जो दो नोड है उनके कॉर्नर की हम दो दो कोड यूज़ कर रहे हैं। तो इससे टोटल फोर कोड हो जाती है और फोर कोड की हेल्प से ऐसे नोड्स को हम इसमें बना देते हैं। तो बस वैसे ही बना रहे हम यहाँ पर भी। तो पहले हमने सेंटर में बनाया, फिर सेंटर के बाद जस्ट उसके नीचे बनाए ये वाली नोट को और फिर सेकेंड वाली नोट को नीचे बना दी है हमने। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टोटल सेंटर की तरफ थ्री नोट्स बनाए, पहले एक और फिर उसके नीचे दो नोट। अब फिर से ये दो नोट के नीचे ये वन नोट यहाँ पर ये हमने कंप्लीट कर दी। अब ये देखिए ये नोट्स जो है कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम इसमें पाइपिंग को बनाएंगे। और ये पाइपिंग को बनाने के लिए जो है कॉर्नर की तरफ से जो एक कोड है उसको हम बाकी के सभी कोड के ऊपर रखेंगे। और फिर अब हम नीचे से एक एक कोड को लेते जाएंगे। ये देखिए एक एक कोड को लिया और ये ऊपर रखी हुई कोड के ऊपर से देखिए फर्स्ट टाइम और फिर सेकेंड टाइम। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर हम पाइपिंग को इसमें कंप्लीट कर देंगे और ये पाइपिंग को ऐसे बना देंगे। तो ऐसा जो है हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड की तरफ से जो है इसमें पाइपिंग को बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये पाइपिंग हमने यहाँ पर बना दी है और इससे जो हमने राइट हैंड साइड की तरफ से स्टार्ट किया था उसे सेंटर की तरफ लेकर अब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी ऐसे ही कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो कोड है ये जो फोर कोड में से ये जो कोने वाली देखिए ये वाली जो कोड है उसको हम लेंगे और उसे इन सभी कोड के ऊपर रख कर फिर ये पाइपिंग को यहाँ पर भी बना देंगे। तो दोनों ही साइड में आप देख सकते हैं हमने कोने से स्टार्ट करा है और फिर से सेंटर की तरफ ये पाइपिंग को ले गए हैं। तो देखिए दोनों ही साइड में जो हमने पाइपिंग को बना दिया है और आप देख सकते हैं सेंटर की तरफ से जो ये एक नोट है उसके फोर कोड को अभी हमने यूज़ नहीं करा है पाइपिंग के लिए। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। अब जो ये पाइपिंग हमने बनाई है उसमें देखिए टोटल ये जो फोर कोड है फोर कोड की सेंटर की दो कोड में ये बीट्स को ऐसे रख देंगे। देखिए ये फोर कोड है पाइपिंग की, अभी सेंटर वाली ये दो कोड यहाँ पर अब हम बीट्स को इसमें ऐसे रख देंगे। तो ये काटा बीट्स को रख देने के बाद अब हम दोबारा फिर से कॉर्नर की तरफ से स्टार्ट करेंगे पाइपिंग को बनाना। तो जहाँ से हमने पहले पाइपिंग स्टार्ट करी थी यही लाइन की वही से ही दोबारा इसे स्टार्ट करेंगे और फिर नीचे की तरफ ऐसे पाइपिंग को बना देंगे। तो ऐसा हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में कर देंगे।
तो अब देखिए दोनों ही साइड में जो है हमने नीचे की तरफ ये पाइपिंग को बना दिया है। अब हम इसके बाद जो है देखिए इनके सेंटर की तरफ से ये जो फोर कोड है वहाँ पर ऐसे नोट्स को बना देंगे दोनों ही साइड की तरफ से। अभी सेंटर की तरफ ये दो नोट बन जाने के बाद अब हम कॉर्नर की तरफ से भी सिंपल बेसिक नोट्स को इसमें अब हम बनाते जाएंगे। तो अब हम एक लाइन सेम ऐसे ही सिंपल बेसिक नोट्स की यहाँ पर बना देंगे। देखिए अब हम यहाँ पर ये एक लाइन जो है सिंपल बेसिक नोट की बन जाने के बाद अब हम सेंटर की फोर कोड लेंगे और सेंटर की फोर कोड में ऐसे एक काटा बीट्स को रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर मटका बीट्स हमको यूज़ नहीं करना है, काटा बीट्स ही यूज़ करना है क्योंकि फोर कोड में काटा बीट्स ईजिली ऐसे चले जाता है, मटका बीट्स में स्पेस कम रहता है इसलिए फोर कोड इसमें जा नहीं पाती है। तो अब देखिए इसके बाद ये बीट्स को ऐसे रखने के बाद जो इसकी जो फोर कोड है उसको हम डिवाइड कर देंगे ऐसे टू टू कोड्स में। तो इसकी जो दो कोड और साइड वाली नोट की दो कोड तो ऐसे टोटल फोर कोड हो जाएंगी। और उसके बाद ऐसे हम सिंपल बेसिक नोट को बना देंगे और ऐसा हम दोनों ही साइड में कर देंगे, इसके लेफ्ट और राइट में भी ऐसे नोट्स को यहाँ पर ऐसा बना देंगे। अब ये दो नोट्स बन जाने के बाद अब हम इसके नीचे ठीक एक नोट को ऐसे बना देंगे। तो ऐसे जो ट्रेंगल के शेप में देखिए ये नोट्स को हमने यहाँ पर बना दिए हैं। अब हम इसके बाद जो है ऐसे हमको यहाँ पर ऐसा शेप देना है। तो ऐसे शेप को देने के लिए यहाँ पर जो है हम पाइपिंग को बनाएंगे। तो ये जो पाइपिंग है इसे बनाने का तरीका आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसे बनाने का जो तरीका है वो ये देखिए, एक कोट की ये पाइपिंग हमने बनाई। अब जो एक कोट के हमने पाइपिंग के नोड बनाई उसको ऐसे अंदर की तरफ ऐसे हाथ में ये लेफ्ट की तरफ ऐसे पकड़ लेंगे। अब देखिए थर्ड वाली कोट की ये पाइपिंग बन गई। अब थर्ड वाली कोट को भी अंदर की तरफ ऐसे ले लेंगे और फिर फोर्थ वाली कोट को उठाकर ये तीनों ही कोट के ऊपर से ऐसे टू टाइम्स निकालेंगे। तो ये ऐसे इनसाइड वाली कोट जो है एक एक कोट की पाइपिंग के बाद बढ़ते जाएंगी क्योंकि अंदर की तरफ हम ये कोट को वन बाय वन करते हुए इसमें बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है अंदर की तरफ से आप देखोगे कि इसकी जो साइज है वो भी ऐसे थिक होते जाएंगी। तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि एक एक कोट इसमें बढ़ते जा रही है। तो ऐसे बस हमको जो है ये पाइपिंग के नोट को इसमें बनाते जाना है। तो बहुत ही ईजी तरीका है, नोट ये पाइपिंग की नोट बनाई फिर वही कोट को अंदर की तरफ हमने ले लिया। तो ऐसे हम दोनों ही साइड में कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी।
तो देखिए, अब जो ये वाली जो एक कोट रहेंगी उसे जो है हम इन सभी कोट के ऊपर से बस 2 टाइम्स निकालेंगे, इसे अंदर की तरफ हम नहीं करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट टाइम निकाला और ये सेकंड टाइम निकाला यही कोट को, और इसे अंदर की तरफ ना करके इसे साइड में ही रख देंगे। तो ऐसे जो है हम टोटल 4 कोट को ऐसे ही साइड में रख देंगे, इसे हम अंदर की तरफ नहीं करेंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो लास्ट एंड की जो 4 कोट रहेंगी उसे बस ऐसे ही 2-2 टाइम्स निकालना है, इसे अंदर की तरफ नहीं करना है। और जिसके जितने भी पहले के कोट है उन सभी को जो है ऐसे वन बाय वन करते हुए हमने अंदर की तरफ करा था, तो बस वैसे ही कर देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम ऐसे ही डिज़ाइन को अब हम बनाएंगे, और इसके भी जो है हम टोटल 4 कोट ऐसे रखेंगे, उसे हम अंदर की तरफ नहीं करेंगे। जो लास्ट एंड की जो 4 कोट रहेंगी उसमें हम बस कोट को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे अंदर की तरफ नहीं करेंगे। तो अब देखिए, ये जो 4 4 कोड हमने जो लेफ्ट और राइट में छोड़ी है, अब हम इसको ही वन बाय वन करते हुए ऐसे लेंगे। तो कोना वाली फर्स्ट वाली जो पहले कोड है उसको हमने लिया, और ये जितने भी सभी कोड है उसके ऊपर से देखिए ऐसे 2 टाइम्स इसमें से निकाल देंगे। अब हम ऐसे ही वन बाय वन करते हुए एक एक कोड को लेते जाएंगे, और इन सभी कोड के ऊपर से ऐसे 2 2 टाइम्स से निकालते जाएंगे। तो फर्स्ट कोड को हमने लिया, अभी सेकेंड वाली कोड ली, इसे देखिए फर्स्ट टाइम निकाला, और फिर यही कोड को सेकेंड टाइम इसे निकाल दिया। अब जो बची हुई 2 कोड है उसको भी सेम ऐसे ही हम निकाल देंगे। तो देखिए, 4 कोड को ऐसे निकाल देने के बाद अब जो अंदर की तरफ के जितने भी कोड है इसकी अब हम एक एक कोड लेते जाएंगे, और इन सभी कोड के ऊपर से ऐसे 2 2 टाइम्स इसे निकालते जाएंगे। तो देखिए, एक और अंदर की कोड ली, ये इसे फर्स्ट टाइम निकाला, ये देखिए फर्स्ट टाइम, और यही कोड को सेकेंड टाइम, फिर इसको ऐसा छोड़ देंगे। अब अंदर की तरफ से एक और वाली, देखिए ये वाली कोड ली, अंदर की वाली, अंदर वाली कोड, फिर इसे भी ऐसे ही 2 टाइम्स निकाल देंगे। तो बस अब जो है हमको वन बाय वन करते हुए जितने भी अंदर की तरफ के जो कोड है इसके एक एक कोड को ऐसे निकालते जाना है, और फिर इन सभी कोड के ऊपर से ऐसे घुमाते जाना है, 2 2 टाइम्स निकालते जाएंगे। और अभी हम जैसा ये लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वैसे ही हम राइट हैंड साइड में भी कर देंगे।
तो पहले फोर कोड जो छोड़िए उसको हम लेंगे, फिर उसके बाद जो अंदर की तरफ से जितने भी कोड है इसकी एक एक कोड लेकर फिर इसके ऊपर से इसे पाइपिंग को बना देंगे। तो बस अंदर की तरफ से एक कोड को लेना है, फिर इन सभी कोड के ऊपर से 2 टेंस निकालना है और वन बाय वन करते हुए ऐसे करते जाना है, तो तब जाकर जो है ये वाली पाइपिंग इसमें बन पाएंगी। तो इसकी साइज़ भी आप देख सकते हैं कि पहले थिक थी फिर उसके बाद थिन होते गई है, वो इसीलिए ही क्योंकि अंदर की कोट जो है इसकी एक एक कम होते जा रही है, इसलिए इसकी साइज़ जो है इसी जो है थिक से थिन होते जाएंगी। अब देखिए, अब हम यहाँ पर जो है सेंटर की दो कोड सेंटर की फोर कोड लेंगे और सेंटर की फोर कोड लेकर ऐसे सिंपल बेस्क नोट को बना देंगे। और अब हम ऐसे ही फर्स्ट लाइन जो है यही सिंपल बेस्क नोट की अब हम बना देंगे लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। और ये नोट को बनाने के लिए देखिए, जैसे हमने ये नोट को बनाया उसके कॉर्नर की ये दो कोड और जस्ट उसके साइड वाली ये दो कोड, तो ऐसे फोर कोड हो जाएंगे। फोर कोड की हेल्प से ऐसे नोट्स को हमको बना देना है। अब हम कंटिन्यूसली बस ऐसे ही नोट्स को इसमें बनाते जाएंगे। और देखिए, फर्स्ट लाइन बन जाने के बाद अब हम सेकेंड लाइन भी ऐसे ही बना देंगे। तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले तरीका बताया था ये सेकेंड लाइन ये नोट्स को बनाने का, पहले बस वैसे ही सेकेंड लाइन की नोट्स भी हम ऐसे ही बना देंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने सेकंड लाइन में ये सिंपल बेसिक नोट को इसमें बना दिया है, अब हम इसके बाद के सेंटर की तरफ से ये एक नोट बना देंगे। तो ये एक नोट बन गई। अब ये एक नोट बन जाने के बाद इसके नीचे दो सिंपल बेसिक नोट को इसके नीचे ऐसे बना देंगे। तो देखिए, जो ऊपर की दो नोट है उनके ही कोने की दो दो कोड लेकर ऐसे नोट्स को बना देना है। तो सेकेंड लाइन कंप्लीट होने के बाद हमने फिर सेंटर में एक नोट को बनाया, फिर एक नोट बन जाने के बाद ऐसे नीचे ये दो सिंपल बेसिक नोट को यहाँ पर बना दिया है। और ऐसे जो है ये ट्रायंगल के शेप में सिंपल बेसिक नोट बनाकर हमने ऐसे कंप्लीट इसमें कर दिया है। अब हम कोने की तरफ से ऐसे सिंपल बेसिक नोट को बना देंगे।
और देखिए अब हम इसके बाद 4 इंच की ये राउंड शेप की जो रिंग है इसको हम बाकी की सभी कोट के ऊपर रख देंगे। फिर नीचे से ये एक कोट को लेंगे और फिर इस ऊपर वाली रिंग के ऊपर से देखिए फर्स्ट टाइम और इस सेकेंड टाइम। अब दूसरी कोट ली, इसे भी ये देखिए घुमाया हमने फर्स्ट टाइम और फिर यही कोट को देखिए सेकेंड टाइम ऐसे निकाल देंगे। तो बस वन बाय वन करते हुए एक एक कोट हमको लेते जाना है और इस रिंग के ऊपर से टू टू टाइम्स इसमें से निकालते जाना है। देखिए पीछे जो है आप देख सकते हैं हमने सभी कोड अटैच कर दिए रिंग में। अब हम इसके बाद एक्स्ट्रा की 17 कोड इसमें अटैच करेंगे। सभी 17 कोड की साइज़ है 1.5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने सभी कोड को इसमें ऐसे अटैच कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो है हमने ये कोड अटैच करी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड देन 17। टोटल 17 कोड्स हमने यहाँ पर अटैच कर दी है। अब हम इसके बाद जो है सिंपल बेस्ट नोट को इसमें बनाते जाएंगे। तो बस अब हमको कंटिन्यूसली लाइन बाय लाइन करते हुए सिंपल बेस्ट नोट को बनाते जाना है। और ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें पहले हम सिंपल बेस्ट नोट को बना देंगे। सिंपल बेस्ट नोट को बनाने का जो तरीका है जैसे मैंने आपको पहले बताया था बस वैसे ही यहाँ पर भी हम बना देंगे। तो देखिए सेकेंड लाइन में नोट्स को बनाने के लिए जो ऊपर के दो नोट है उनके कोने की हम ऐसे टू टू कोड्स ले लेंगे और फिर से टोटल 4 कोड हो जाएंगे या 4 कोड की हेल्प से ऐसे नोट्स हम बना देंगे। तो बस अब हमको कंटिन्यूसली ऐसे ही सिंपल पिस्क नोट को बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने कम से कम 7 to 8 लाइंस ऐसे ही सिंपल पिस्क नोट की इसमें बना दी है। अब हम इसके बाद सबसे बड़ी वाली कोड लेंगे और इसे हम बाकी की सभी कोड के ऊपर से ऐसे घुमाते जाएंगे और ऐसा जो है हम कम से कम 5 to 6 टाइम बस ऐसे ही गोल गोल ऐसे घुमाते जाएंगे। इसे टाइटली हमको घुमाना है। और देखिए इसे ऐसे घुमाने के बाद जो लास्ट एंड में इसके कोड बचेंगी उसे हम कट करके लाइटर के हेल्प से इसे स्टिक कर देंगे। उसके बाद जितनी भी कोड है अंदर की तरफ से उसे हम इसे खींच देंगे टाइटली ताकि जो भी कोड ऊपर नीचे हो वो ऐसे स्ट्रेट हो जाए। तो इसे कोड हम खींच देंगे, उसके बाद हम सीजर की हेल्प से इसे कट कर देंगे। और अब हम इसे कट करने के बाद अब हम इनमें बेल्ट्स को अटैच कर देंगे। तो देखिए एक कोड में एक बेल्ट्स को रखेंगे और फिर दूसरी वाली कोड लेकर लाइटर के हेल्प से हम इन्हें वहीं के वहीं स्टिक कर देंगे। अब इसके बाद जितने भी कोड बचे हुए सभी में ऐसे ही बेल्ट्स को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पर जो हमने नीचे सभी में कोड, ये सभी कोड में बेल्स को अटैच कर दिया है, और यहाँ पर जो है हमारे मेक्रम का टाइगर शेप मोबाइल होल्डर बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, सिंपल डिज़ाइन है और कलरफुल भी है। इसमें जो है हमने सिंपल बेस के नोट और पाइपिंग के बेस पर ये टाइगर शेप की ये जो डिज़ाइन है इसको हमने बनाया है, और ये दिखने के, ये इसे बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सी लग रही है और सिंपली आप इजीली इसे बना सकते हैं। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा, उसे जरूर बनाइएगा और अपने घर को डेकोरेट करिएगा इस ब्यूटीफुल से मेक्रम मोबाइल होल्डर से। और साथ में कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और साथ में हमारे चैनल मेक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।